ए, मेरी कार पार्क कर दो। और हाँ, थोड़ा ध्यान से। ए, क्या मैं वैली वाला लगता हूँ? तो फिर हो कौन? इस कंपनी के सीईओ? अच्छा, मैं समझ गया। ये लो, अब ले भी लो, इससे अपने परिवार को वकांडा भेज देना। ठीक है, कार पार्क कर दूंगा। ये हुई ना बात। चला। ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन मुबारक हो। थैंक यू। ये है तुम्हारी डेस्क और ये है हमारा ऑफिस। बहुत बढ़िया है ना? बुरा नहीं है। स्टीव, मैं कहूंगा तुम्हें वो टूना सैंडविच ट्राई करना चाहिए। ओह, वो बहुत ही टेस्टी होते हैं, सच कह रहा हूं मैं तुमसे। ट्राई करूंगा। रे, देखो इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। रे, ये है स्टीव और आज से ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। स्टीव, ये है रे, तुम्हारे नए बॉस। रे और स्टीव, स्टीव और रे। ठीक है गाइस, अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ता हूं ताकि तुम एक दूसरे को अच्छे से जान सको। वो टूना सैंडविचेस ट्राई करना मत भूलना, बहुत बढ़िया होते हैं। हाँ। सच कह रहा हूं। देखो, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आज मेरा काम पर पहला दिन है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने नए बॉस को नाराज करूं। स्टीव, हो सकता है तुम्हारे पास अपने कुछ रीजंस होंगे, जैसे कि ट्रैफिक की किचकिच या फिर एटीएम में समय लग जाना। हाँ हाँ, ये सही है। मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं सबको बराबर इज्जत देता हूँ। रिलैक्स, अगर तुम उतने ही अच्छे हो जितना कि तुम्हारा रिज्यूमे है, तो मैं हर दिन तुम्हारी कार पार्क करूंगा। हाँ तो फिर पीठ का ख्याल रखना, क्योंकि मेरी कार की सीट बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे लगा था। स्टीव, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम काफी हटके सोचते हो। आप मुझे बस एक हफ्ता दीजिए, मैं सबसे बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है। ओ, मैं तो भूल ही गया था, ये रही तुम्हारी चाबी। ओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी गाड़ी सही सलामत हो। वाव, एक भी स्क्रैच नहीं है। वाकई पैसे ने अपना कमाल दिखा दिया। हैव अ गुड नाइट स्टीवन। गुड नाइट बॉस। रे, ये क्या है? तुम्हें रात को सोने से पहले इसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें काटेगी नहीं। आपको लगता है ये फनी है? शायद तुम कुछ नया ही सीख जाओ। और हाँ, ये थोड़ी बहुत तो फनी है। तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए था। वाव, ये बहुत बढ़िया था, मैंने तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। इसलिए तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। थोड़े टाइम के लिए। वो किसी भी वक्त यहां आते होंगे, ठीक है? ओ रे, जरा यहां ना प्लीज। ये लो, वो आ गया। स्टीव, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर डोनोवन, मैं हूं ऑफिसर पार्कर। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? जरूर ऑफिसर, मुझे सवालों के जवाब देकर तो खुशी होगी। मिस्टर सैंडर्स के साथ एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्या आप इस किताब को पहचानते हैं? हाँ, ये मैंने स्टीवन को दी थी। और आपने उनकी कार में रखी थी? हाँ रखी थी। तो ये किताब मिस्टर सैंडर्स की कार में ब्रेक पैडल के नीचे मिली थी। ओके, रुकिए, मैंने ये किताब तो सीट पर रखी थी। स्टीव, बताओ ना। मुझे नहीं पता ऑफिसर, ये क्या बोल रहा है, बल्कि मैंने तो इसे एक्सीडेंट से पहले देखा भी नहीं था। क्या? कल मैं अपनी कार में बैठा और घर की तरफ ड्राइव करके निकल गया, और मैंने इंटरसेक्शन पर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। जब आंख खुली तो पुलिस वाले ने मुझे इस किताब के बारे में बताया। क्या तुमने मुझे फंसाने के लिए खुद को चोट पहुंचाई? तुम पागल हो क्या? उठो, ये सब सच नहीं है, ये नाटक कर रहा है। ऑफिसर, पास बताओ, दूर रहो तुम, ये मुझे मार देगा। ऐसा करके अपनी मुश्किलों को बढ़ाओ मत। ये इंसान बहुत बड़ा रेसिस्ट है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तुम एक संदिग्ध हो अटेम्प्ट टू मर्डर में। क्या? ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात है तो इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ पता लग ही जाएगा, और तब तक
विक्टिम ने तुम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओके थैंक यू ऑफिसर, बात खत्म करते हैं। हाँ ओके स्टीव, जाओ घर जाकर आराम करो, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू बॉस। रे मेरे ऑफिस में आओ। मिस्टर ग्रीन, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। तुम पर भरोसा है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? देखो तुम जानते हो कि कंपनी की इज्जत मेरे लिए सबसे पहले आती है, और मैं एक ऐसे एग्जीक्यूटिव को काम पर नहीं रख सकता जो किसी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वॉल्व हो, खास करके तुम जैसे लोग। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, वो भी इसी वक्त। देखो एक बार इन्वेस्टिगेशन में सब साफ हो जाए उसके बाद देखते हैं। मिस्टर ग्रीन, मैंने इस कंपनी के लिए करीब 10 साल काम किया है, और आप उस रेसिस्ट की साइड ले रहे हैं जैसे आप महज 2 दिनों से जानते हैं। मैं बस अपनी कंपनी की साइड ले रहा हूँ, वो भी हर बार की तरह। प्रे रुको, सुनो, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन शायद तुम्हें उसके पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगू? पर क्यों? मैं कुछ नहीं जानता, वो जो भी कहे, लेकिन जहां तुम हो तुम्हें जो करना पड़े करो, लेकिन बस खुद को बेगुनाह साबित करो। तुम समझ गए ना क्या कह रहा हूं? लेकिन ये गलत है। रे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। दूर रहो मुझसे, मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। स्टीव बस करो, दोस्ती करोगे? ये बात है। हाँ। कहो, मैं सुन रहा हूं। रे तुम भी जानते हो कि मैंने वो किताब ब्रेक्स पर नहीं रखी थी, लेकिन मैं भी मानता हूं कि शायद वो गलत था। मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे माफ कर दो। रे रे तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, ये ठीक नहीं है, मुझे तो तुमसे बहुत उम्मीद थी। बिल्कुल स्टीव, तुम जीत गए। मैं हमेशा जीतता हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि ये मेरा देश है और तुम जैसे लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज पुलिस को सब सच बता दो, शिकायत वापस ले लो, तो हम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरा वादा है काम पर कोई असर नहीं होगा। ओ रे, मैं चाहता हूं कि इससे तुम्हारे काम पर असर पड़े। क्या मतलब है? मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए, तो ग्रीन से बात करो, वो तुम पर भरोसा करता है। और ये सब होगा कैसे? उस बुड्ढे से कहो ये सब तुमने किया है, तुमने वो किताब मेरे पैडल के नीचे रखी थी, उसके लिए तुम्हें बुरा लग रहा है और इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह काम करूं। हाँ, और तुम साथ ही मेरी थोड़ी सी बस तारीफ कर देना कि कैसे मैं तुमसे बेहतर हूं। तुम क्या करोगे? मैं कुछ हफ्तों के लिए व्हीलचेयर पर रहूंगा, सिक लीव पर, और फिर वापस आ जाऊंगा अपनी सही जगह पर जो सच में मेरी है। तो ये सारा नाटक एक जॉब के लिए था? हाँ रे, क्योंकि सच तो ये है कि तुम जैसे लोग मेरे जैसे लोगों के बॉस नहीं हो सकते, अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम एक पागल रेसिस्ट हो, भाड़ में जाओ। कोर्ट में मिलते हैं रे। ओके, चलो देखते हैं ये क्या है। जस्टिस, ये पागल अब भी इस बकवास में विश्वास रखता है। ये क्या है?
मिस्टर सैंडर्स, दरवाजा खोलिए। गॉड, पुलिस। हाय, मैं गैरी हूँ, शो रनर ऑफ ड्रामाटाइज मी का। बहुत बहुत शुक्रिया ड्रामाटाइजर्स हमें फॉलो करने के लिए और हमारे वीडियोस देखने के लिए। हमें पता है हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं खुशी से अनाउंस कर रहा हूँ हम नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं। उसका नाम है लव बस्टर, जिसके ऊपर आप नए वीडियोस देख सकते हैं प्यार और रिश्तों के ऊपर। तो लिंक के नीचे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं।